आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, चार दिन पहले चाकूबाजी की वारदात हुई थी और उस वारदात में घायल देवराज की कल मौत हो गई। हर तरफ हड़कंप मच गया क्योंकि दुख की घड़ी थी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे आज देवराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कल से अलर्ट मोड पर है। शहर में अत्यातन इंटरनेट बंद किया गया है, 24 घंटे के लिए कल इसे बढ़ा दिया गया था। शहर में स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे आज। इधर प्रशासन ने परिजनों की इजाजत मांगी, मृतक के परिजनों को अब 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी मुआवजे स्वरूप। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी की बात भी कल कही गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि STSC एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई होगी। सरकारी नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा प्रशासन। मांगों पर सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कल हो पाया था। तो ये मौजूदा घटनाक्रम है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं परिवार का हाल बेहाल। आपको बता दें कि कल शाम के वक्त में 4 बजे के बाद में हरकत बढ़ गई थी। पुलिस प्रशासन पहुंचने लगा था हॉस्पिटल, उसके बाद में पुष्टि की गई कि बच्चा अब नहीं रहा। 10वीं में पढ़ने वाला देवराज 4 दिन की जद्दोजहद के बाद जिंदगी के जंग हार गया। देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। MB अस्पताल में इलाज के दौरान निधन की खबर आई, मौत हो गई उसकी 4 दिन पहले यानी बीते शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे के आसपास उस लड़के को चाकू से गोद दिया गया। उसके बाद में अफवाह फैली कि देवराज की मौत हो गई, उसके बाद में हिंसा भड़क उठी थी, वो स्थिति भी हमने देखी थी। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा, भजनलाल सरकार की सक्रियता रही, प्रशासन की मुस्तैदी रही कि हिंसक घटनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तत्काल विराम लगाया गया। उसके बाद में बुलडोजर का एक्शन हमने देखा, कार्रवाई यहाँ पर होती गई। लेकिन उम्मीद थी कि ये बच्चा बच जाएगा। उम्मीद थी कि जो ये 15 साल का देवराज है, ये इसको डॉक्टर की जो स्पेशलिस्ट टीम खुद मुख्यमंत्री ने भेजी थी जयपुर से, वो बचा लेगी। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिशें जारी रहीं, प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा, लेकिन नहीं बच पाया देवराज। और उसके बाद स्थिति कहीं ना बिगड़े इसको देखते हुए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। अजय ओझा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, 7 बजे अंतिम संस्कार की बात कही गई है, इस वक्त बज रहे हैं 6, क्या मूवमेंट बताएं इस वक्त की, लेटेस्ट क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी हम मृतक छात्र है उसके घर के बाहर ही खड़े, अभी फिलहाल जो है उसके मृतक छात्र के परिजन और आस पड़ोस के जो लोग है बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और अधिक संख्या में जो पब्लिक आ रही है उसको देखते हैं वहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनात है। 7 बजे जो है अंतिम यात्रा निकलने का बताया गया है और अभी सारी जो हिंदू रीति रिवाज से जो मृतक छात्र है उसका वो संस्कार चल रहा है अभी घर पे, और अभी फिलहाल उसके घर के बाहर जो है सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग पहुंचे हैं। पूरा गमगीन माहौल है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब जो मृतक के जो छात्र दोस्त थे वो भी पहुंचे हैं, सभी माहौल पूरी तरह से गमगीन बना हुआ है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से उस पूरे एरिया को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है क्योंकि चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। कई एडिशनल SP खुद मौके पर मौजूद है, इसके अलावा कई 1 दर्जन से अधिक DY SP और कई थाना अधिकारियों को भी यहाँ अभी तैनात किया गया है। साथ ही उदयपुर के जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे माहौल बिगड़ने की आशंका है वहाँ पर ही पुलिस है, हर चौराहे पे हर मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी फिलहाल जो है हिंदू रीति रिवाज से मृतक छात्र घर पर उनका अजय क्या डेड बॉडी सुबह 4 बजे सौंपी जानी थी वो सौंप दी गई है, ये प्रोसेस पूरा हो गया, प्रक्रिया जो होनी थी सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ये पूरा हो गया? बिल्कुल, सुबह 4:30 बजे पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मोर्चरी में पहुंचे थे और मृतक छात्र के परिजन भी पहुंचे थे। 4:45 बजे पुलिस ने सारी फॉर्मेलिटी करके मृतक छात्र का जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। मोर्चरी से 5 बजे जो मृतक छात्र का शव उसके घर पहुंचा है और अभी फिलहाल जो है घर के बाहर सारे उसके परिजन और उसके जो परिवारजन है और साथ ही आस पड़ोस के जो लोग है वो मौजूद है। 7 बजे अंतिम यात्रा निकालेंगे, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। जी, सुबह पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा, इसकी क्या तैयारी है जरा ये भी बताइए, क्योंकि अभी भी धारा 163 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है,
क्या इस वक्त 6 बजे भी, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन की मंशा यही है कि सुबह इतना ज्यादा हो हल्ला नहीं होगा और इजीली अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्या पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है इस वक्त? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 बजे से ही पुलिस का जो बल था मृतक छात्र के घर के पास कॉलोनी में और चिकित्सालय की मोर्चरी में ही पहुंच गया था। वही चप्पे चप्पे पर भी पुलिस बल तैनात है। पुलिस और प्रशासन की यही मंशा है कि जल्दी से जल्दी शव का अंतिम संस्कार किया जाए। इन्होंने 7 बजे का समय दिया है, 7 बजे अंतिम यात्रा निकालने का। तो पुलिस के जो आला अधिकारी है, प्रशासनिक जो अधिकारी, वो अभी मृतक छात्र के घर के बाहर मौजूद है और जो परिजन है उनसे भी लगातार वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी अंतिम संस्कार होगा तो पुलिस के लिए भी रात की बात होगी। इसलिए पुलिस अधिकारी जो है सुबह 4 बजे से मुख्य नजर आ रहे हैं और बांसवाड़ा है उदयपुर शहर को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है। और जो ये पूरा एरिया है सूरज पोल, उसके आगे का एरिया जहाँ संवेदनशील इलाका है, वहां पर भी सत्तर सत्तर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अजय, जहां आपकी मौजूदगी है, जहां देवराज के घर है, वो एरिया भी पूरा सेंसिटिव जोन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती वहां पर देखी गई। कल भी हमने देखा कि जब ये खबर सामने आई उसके बाद में सिर्फ अस्पताल ही नहीं, अस्पताल परिसर ही नहीं, देवराज जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके घर के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है वो तैनात की गई थी। अभी की जो सिचुएशन है वो बताइए और क्या लग रहा है, जो तय समय है 7 बजे का, एग्जैक्ट उसी समय पर पुलिस कामयाब हो पाएगी अंतिम संस्कार कराने में या अभी परिवार थोड़ा और समय लेगा? बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की एक ही मंशा है कि जो समय तय किया है 7 बजे का, उसी समय पर अंतिम यात्रा निकले। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद है और वहां पर जो मृतक छात्र का जो निवास है वहां पर जो उसकी अंतिम क्रिया होती है, जो हिंदू रीति रिवाज से जो धार्मिक क्रियाएं होती वो चल रही है और अभी लोगों का आना बाकी है, तो लोग धीरे धीरे वहां पहुंच भी रहे। इसको लेकर परिजन जो है, मृतक छात्र के परिजन है, वो भी चाहते हैं कि जल्दी अंतिम संस्कार हो, पर कुछ लोग हैं, लोगों को आने के बाद ही ये पूरा जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो 7 बजे का समय दिया गया है। 7 बजे तक अभी पुलिस प्रशासन वेट कर रहा है। 7 बजे के बाद अगर थोड़ा समय लगता है तो पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो परिजनों से वार्ता करेंगे। जी अजय, जो समाज के लोग हैं, क्योंकि कल जब चीज़ें हमने देखी, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अजय लौट रहा हूँ मैं, आप देखिए तस्वीरें। सबसे पहले तो घर के अंदर कितने प्रकार से डेड बॉडी रखी हुई है देवराज की, ये 15 साल के बच्चे की, जिसकी जान गई, तमाम प्रयास के बावजूद जान नहीं बचाई जा सकी। और आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी हैंडओवर कर दी गई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो तय समय था 4:30 बजे के आसपास ही। उसके बाद में परिवार एमबी अस्पताल से, मॉर्चरी से बॉडी को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद में परिवार में मातम किस प्रकार से पसरा हुआ है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और 16 तारीख से लगातार हम इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी इस वक्त की जो ताज़ा जानकारी हुई यही कि अब आसपास के लोग पहुंचे देवराज को देखने के लिए। 15 साल का ये बच्चा जिंदगी की जंग कल हार गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घर के चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। आप